हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बात करने वाला हूँ आधार कार्ड और फोटो का कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड पुराना फोटो है और देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड और न्यू फोटो को चेंज करना, तो आसानी से आप अपने मोबाइल की मदद से न्यू फोटो को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि सिर्फ आधार कार्ड में फ़ोटो का सिर्फ OTP के माध्यम से कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, तो दोस्तों कैसे आप आधार कार्ड में फोटो को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कोई एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए। उसको यहाँ पर आपको सर्च कर देना SSUP। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है, सेल्फ सर्विस अपडेट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस यहाँ पर आपको माई आधार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको माई आधार पर लॉगिन होकर के पोर्टल पर चले जाना। चलिए यहाँ पर हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपको जो लॉगिन वाला बटन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना। उसके बाद जो आपके सामने ये वाला कैप्चा दिख रहा है, सो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम कैप्चा और मोबाइल नंबर को फिलअप करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद OTP आ जाएगा, OTP को फिलअप कर लेंगे, उसका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि माई आधार के पोर्टल पर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आपको साइड में यहाँ पे आधार कार्ड में आप जो आपका फोटो होगा, इस साइड में यहाँ पर आपको फोटो दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो आपको इस साइड में फोटो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड फोटो को चेंज कैसे करना, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए तो आपको मिलेगा। देख सकते नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ OTP के माध्यम से आप एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार अपडेट हिस्ट्री, सिंपली आपको इस पर क्लिक, जो आपको ये वाला दिख रहा है आधार अपडेट हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फोटो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसी को चेंज करके, ये मेरा पुराना फोटो, इसको हम चेंज करना चाहते हैं और नया वाला फोटो को कैसे चेंज करेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करते हैं। चलिए यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऊपर में दिख जाएगा, यहाँ पर कॉल डाउन करते आइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, बुक एंड अपार्टमेंट। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले सेलेक्ट क्लिक कर लेना। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर खोजना है कि आपके आधार सेवा केंद्र आपके नियर में कहाँ पर है, वही आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप यहाँ पर खोज लेना, अगर इसमें आपको नहीं मिलता तो यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो आपको मिलेगा सेकंड नंबर ऑफ प्रोसीड टू बुक अपार्टमेंट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों आपको मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेना। यहाँ पे आपको कैप्चा को फिलअप करके सेंड OTP वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर जो OTP आ जाएगा, OTP को नीचे फिलअप कर सबमिट प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इतना हम करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आधार अपडेट न्यू आधार, यहाँ पे आप न्यू आधार भी अप्लाई कर सकते हैं, आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मोबाइल नंबर को सिंपली आपको फिलअप कर लेना। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने नीचे कैप्चा दिख जाएगा, आपको इसमें कैप्चा को फिलअप कर लेना। चलिए यहाँ पर हम कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं, जो कैप्चा सेम लिखा हुआ उसको हम फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे नंबर पर यहाँ पर OTP आ चुका है। चलिए OTP को हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आगे प्रोसेस बताते हैं। चलिए OTP फिलअप करके वेरीफाई OTP वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो ऊपर में दिख रहा है रेसिडेंट, आपको सिंपली इसी पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार अपडेट में आपको सबसे पहले आधार नंबर को फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है आपको यहाँ पर फिलअप करके डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेना है। उसका डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट है देना, अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप हेड ऑफ फैमिली का भी दे सकते हैं नीचे पे क्लिक करके। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट रहने देंगे। उसके बाद आपको स्टेट को सिलेक्ट कर देना, अपना सिटी को सिलेक्ट कर देना, उसके बाद आधार सेवा केंद्र को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए इतना को हम फिलअप करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारा कुछ यहाँ पर फिलअप कर लिया। उसका सिंपली आपको नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर लेना है।
दोस्तों नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट फील्ड लिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम आप चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, न्यू मोबाइल नंबर को आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे लास्ट में बायोमेट्रिक फोटो आईडिस एंड फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों आप यहां से जो भी चाहते हो अपडेट कर सकते हैं, आपको हम बता दिए कि नेम जेंडर सारा कुछ यहां से आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मेरा फोटो अपडेट हो चुका है इसलिए यहां पर शो नहीं करता। आप यहां पर आइएगा तो आपका अगर फोटो अभी तक अपडेट नहीं है तो आपके सामने शो करेगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से आपको टिकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी आधार सेवा केंद्र चुने होंगे उसमें आपको डेट यहाँ पर आपको डेट फिक्स कर लेना, आपको जितना बजे फ्री रहते जितना बजे आपके पास टाइम रहता उतना बजे यहाँ पर आपको डेट को फिक्स कर देना है। वो डेट फिक्स करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट 100 रुपया कटा लेना है। उसके बाद जाइएगा जो भी आधार सेवा केंद्र चुने हैं वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जाइएगा तो वहाँ पर जिस डेट पर जितना टाइम आप चुने उतना टाइम पर जाइएगा, आपका वहाँ पे एक भी मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा, जाइएगा आपका बिल्कुल फ्री में काम होगा। जो आपका यहाँ पर 100 रुपया कटा वही चार्ज लगता है, वहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं देना। तो दोस्तों आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से आधार कार्ड फोटो को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप बोलिए घर बैठे फ़ोन से, दोस्तों ये असंभव है, आपको आधार सेवा केंद्र पर थोड़ा देर के लिए जाना ही पड़ते हैं। दोस्तों इतना करने से आपको सुविधा ये हुआ कि आपको वहाँ पर जाकर के आपसे वो ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता है, प्लस में दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, इसलिए ये तरीका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।